से देखो जरा एक सौ अठानवे। और ये देखें, ये मकई के दाने मैं आपसे ही लेके गई थी, इसका मुझे आटा बना के दे सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सबको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों से परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन, और हम सबका ईमान सलामत रखे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वाला आलिका वासहाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मुसलमानों की गैबी मदद फरमाएँ, उन्हें फ़तह नसीब करें। तो चलें जल्दी से करते हैं आज का व्लाग स्टार्ट। आज का व्लाग स्टार्ट हो रहा है, मैं देसी ग्रॉसरी शॉप पे जा रही हूँ और आटा लेने जा रही हूँ। रमज़ान में वैसे तो घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए, स्पेशली ग्रॉसरी करने के लिए, वो भी दूर दूर जाने वाले जो काम है ना, कोशिश करनी चाहिए कि पहले ही कर लें। लेकिन मेरे पास पैसे जो है ना वो किस्तों में आते हैं, तो फिर चीज़ भी उसी तरह लेनी पड़ती है, तो बस इसलिए जो है ना रमज़ान में भी चक्कर लग ही रहे हैं। अच्छा, ये मैं गुजर रही थी तो मुझे रास्ते में ये दरख्त नज़र आया, तो लग तो ऐसे ही रहा था जैसे इमली का दरख्त है और उसके साथ वो फलियाँ सी भी लगी हुई थी। तो मैं कितनी देर, इशारा था इधर तो गाड़ी रुकी हुई थी, तो मैं कितनी देर गौर करती रही, फिर मैंने कहा मैं आप सबको भी दिखाऊंगी। अब सऊदी अरेबिया में इमली का दरख्त बड़ी अजीब सी बात मुझे लगी, तो वैसे फ़्रेश फ्रेश बड़ा अच्छा लग रहा था। अच्छा, हम जा रहे हैं पाकिस्तानी दुकान पे, शमेसी जा रही हूँ मैं, और उधर से लूँगी आटा, और कुछ खास नहीं लेना, बेसन वगैरह मेरे पास पहले से है। तो बस हम दुकान पे पहुँच गए हैं और इधर थोड़ा टाइम लगेगा, आर्डर करना पड़ता है, तो उसके बाद जब वो आटे को पीस लेते हैं तो फिर तब तक हमें वेट करना पड़ेगा। उतनी देर मैं साथ साथ जो दूसरी दुकानें हैं ना वो विज़िट कर लेती हूँ। एक मैंने डालडा घी का डिब्बा लेना है, बड़ा जो टीन होता है बड़ा 17 लीटर का, वो वाला मैंने लेना है। दाल तो कोई लेनी नहीं, माज मुझे घर से पक्का करके गया था, मामा दाल नहीं लेनी है आपने, दालें रमज़ान में भी हमने दालें ही खानी है। मैंने कहा अच्छा नहीं लेती दालें। घर से तो डिसाइड करके आई हूँ कि सिर्फ आटा लेना है और घी का डिब्बा लेना है। अब देखते हैं, चीज़ें देखती हूँ तो फिर कुछ और याद आ जाता है, और इतनी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं देखते ही देखते, और पैसे भी एक्स्ट्रा लग जाते हैं। ये तो मोटी है ना, पिछली दफ़ा भी मैं यही लेके गई थी। चलें आप ये 1 किलो दे दें। और ये देखें, ये मकई के दाने हैं, मैं आपसे ही लेके गई थी, इसका मुझे आटा बना के दे सकते हैं साथ में 1 किलो और डाल के? तो जो मकई का आटा बनता है जो साग के साथ रोटी खाते हैं, वो यही वाली मकई होती है या कोई और होती है? ये दूसरा है, दो नंबर। नहीं, किसका बनता है जो रोटी के लिए खाते हैं? तो कई लोग येलो की जाते हैं, कई लोग सफेद ले भी जाते हैं। फिर मिक्स कर दें आप, क्योंकि ये तो मैंने ली हुई है ना, तो 1 किलो आप ये साथ में डाल दें, 2 किलो का आटा सही है। और उसका जो है ना आटा गंदम का, वो 30 किलो बनाना है। मैं देखती हूँ, ये पाकिस्तानी दाल होती है या इधर से? ये तो मटर का दाल है, चने वाला दाल वो है। किधर है? आखिर, सबसे आखिर। ये कितने की किलो है? 6 रियाल। तो 1 किलो ये भी दे दे। अच्छा। नहीं, काला नहीं चाहिए, पाकिस्तानी है ये गंदम? ये तो दुबई की है ना, पाकिस्तानी दिखाना। इसकी काली बनेगी रोटी? नहीं, इसके चेंज हो गई है, हर महीने बाद चेंज हो रही है। तो इसी का ही बनाए फिर, 30 किलो या बस इसी का बनाए? हाँ जी, आज मेरा बेटा कितने का? 148। अभी का अरबी का वाला, वो दूसरा सनफ्लावर वाला 165 का मिलता है, मगर वो साथ में सनफ्लावर मिक्स है, वो नहीं है। तो जो अरबी का है वो किस चीज का होता है? ये तो अरबी है ना, वो जैत अरबी है। माज के दिल को कुछ हो रहा है कि मामा कहीं दालें ही ना उठा ले, मुझे इशारे भी कर रहा है। ये नहीं, जो पैकेट ये तो खुले है ना, कितने के? मैं अगर 10 किलो ले तो कितने के आएंगे? ये कच्चे हैं या पक्के होते हैं? तो आप ये मुझे 2 किलो दे दें, क्योंकि मैं पहले से ये माश की दाल भी दे दें 1 किलो। चने की दाल कितने की किलो है? 6 रियाल किलो। बस ये दाल माश की दे दें, और भुने हुए चने भी आधा किलो दे दें।
ये दुकानें साथ साथ ही हैं, लेकिन कीमत का थोड़ा एक या दो रियाल का फर्क है। आटे वाली दुकान पे मैंने दाल पूछी है, वो 5 रियाल की किलो दे रहे थे और ये 6 रियाल की किलो दे रहे हैं। मुझे लगता था ये कैंडीज बड़ी महंगी होंगी, ये तो बहुत सस्ती हैं, 15 रियाल की बस 1 किलो। कैसे देते हैं आप ये? 15 रियाल किलो देता है। खोलो ना, मैं आधी खर्च वाली आपको। मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी सी ले ही लेती हूँ, क्योंकि फिर तो 2-3 माह तक मेरा चक्कर नहीं लगना और ईद वाले दिन मुझे इन कैंडीज की जरूरत पड़नी है। कैंडीज वो तो खा लो पहले। देखो देखो, मम्मी को बोलो कैंडी लेनी है, मैं उन्हें जिज्जी आप दे आओ जाके उसको दे दो। आटा अभी बनाना ही है, तो फिर इतनी देर में मैंने कहा साथ में एक और दुकान है वो भी देखाते हैं उधर किस तरह की चीज़ें पड़ी हुई हैं। वैसे मैंने पहले भी ये विज़िट की हुई है, ये रमज़ान से रिलेटेड जग एक पड़ा हुआ था 8-9 रियाल का। मेरा दिल किया ले लूँ, फिर मैंने कहा 8-9 रियाल ज़ाया ही हो जाने हैं। और ये सरफ़ वगैरह की कीमत का मैं अंदाज़ा लगा रही थी, अब की दफ़ा तो जितने का सरफ़ ये दे रहे हैं सुपर मार्केट में भी उतने का ही मिल रहा था। ये ब्रश कितने का? 8 रियाल। और ये वाला 10 रियाल। ये सारे एक जैसे ही हैं? 7 रियाल। ये 10। माल आ जाओ, देखो इतनी चिड़िया भी आई हैं, चिड़िया पकड़ लो, चिड़िया को पकड़ लेते हैं। अच्छा चलो आओ। मास को ऐसे लगता है कि हम गाड़ी में जाके बैठ जाएंगे तो काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा और हम जल्दी घर चले जाएंगे, इसलिए कहते हैं मम्मा आप गाड़ी में बैठ जाएं और दुकानों में आप जाके चीज़ें ना देखें, बस आटा लेते हैं और हम चलते हैं। तो मैंने कहा आटा अभी बना ही नहीं है, जब बनेगा तभी जाएंगे ना, तो उतनी देर में कहीं और दुकान में किसी साथ वाली दुकान में देख लेती हूँ। तो उसका दिल यही होता है कि जल्दी से जाके गाड़ी में बैठ जाएं तो हम जल्दी से घर जाएं, हमारा काम ख़त्म हो। तो आटा हासा लेट कर दिया, इन्होंने कह रहा था मम्मा आइंदा से इस दुकान से आटा नहीं लेंगे, कहीं और से आटा लेंगे जो जल्दी बना दें। मैंने कहा अब वो बेचारा बना ही रहा है ना, थोड़ा टाइम लगता है, और भी कस्टमर होते हैं उनके पास। तो बस बच्चे तो बच्चे, बड़े भी रमज़ान में घर से बाहर निकले किसी भी काम के लिए तो थकावट जो है ना वो डबल हो जाती है, तो बच्चे तो फिर बच्चे हैं। तो अल्लाह ताला इसको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और इसको लाइक करे, सबके बच्चों को लाइक करे। तो चलें एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाला आली मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम वाला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद वाला आली मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। टूर वैसे इनसे बहुत ज़्यादा डरता है, तो इसलिए मैं ना गाड़ी में बैठा के ही इसको दिखा रही हूँ। मैंने कहा चलें थोड़ा सा एंजॉय कर ले, वैसे तो उसकी चीहें निकल रही थी जब हम गाड़ी में बैठ रहे थे ना, तो मेरे पीछे पीछे छुप रहा था और थोड़ा थोड़ा साथ कांपना भी शुरू हो गया था। तो मैंने कहा चिड़िया ये फिर क्या हो गया, उससे क्यों डर रहे हो? कहता नहीं नहीं, तो फिर गाड़ी में आ गया था। और कैंडीज़ उसने पकड़ी हुई हैं थोड़ी सी और बड़ा मज़ा कर रहा है, कभी पॉकेट में डाल रहा है, खानी नहीं है लेकिन कभी पॉकेट में डाल रहा है, कभी निकाल रहा है, तो ऐसे होश हुआ हुआ है। वेदर जो है ना वो खासा गर्म हुआ हुआ है, गर्मी अच्छी खासी लगती है। टूर को तो फुल पसीने आए हुए हैं सर में, हालांकि इतनी गर्मी है नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ना रमज़ान में एकदम से ही ऐसे हो गया कि गर्मी स्टार्ट हो गई है, नहीं तो पहले तो वेदर जो है ना वो नॉर्मल ही था। लेकिन शुक्र है अल्लाह का, फिर भी रमज़ान अच्छा गुजर रहा है। आप बताएं आपका, आप सबका रमज़ान कैसा गुजर रहा है, और क्या आप भी रमज़ान में इस तरह शॉपिंग के लिए जाते हैं? कभी कभी बीच में जाना पड़ता है, मेरा कभी भी ये असूल नहीं रहा। मेरी कोशिश होती है रमज़ान में कभी भी घर से बाहर ना निकलूँ, लेकिन कुछ टाइम से जब पैसों की ज़्यादा बचत करने का सोचा हुआ है ना, और वैसे भी पैसे जो है ना थोड़े थोड़े टाइम बाद थोड़े थोड़े से पैसे आते हैं, तो फिर उस हिसाब से चीज़ लेनी होती है, तो जाना ही पड़ता है। नहीं तो मेरी कभी भी ये रूटीन नहीं रही है, मैं रमज़ान में प्रेफर करती हूँ मैं कभी भी बाहर ना जाऊँ। इवन के ईद की जो शॉपिंग होती है मैंने कभी वो भी नहीं की, क्योंकि मेरा दिल यही होता है कि वो जो चांद रात होती है या रमज़ान में बाहर निकल के जाना है ना, वो उतना टाइम हम थोड़ी बहुत तस्बीहात कर लें, कोई नफल पढ़ लें, कोई कुरान पाक पढ़ लें,
क्योंकि ये एक महीना जो है ना वो बहुत कीमती है, अल्लाह को लूटने वाला ये महीना है। कौन कौन अल्लाह को लूट रहा है, जितना लूट सकते हैं ना अल्लाह को लूट लें। मेरी तो कोशिश होती है कि फुल लूटे हम अल्लाह को। तो अच्छा ये देखें, ये मैं ले आई हूँ चीज़ें घर में, आटा मैं लेके आई हूँ। मैंने अपनी तरफ से काम ख़त्म किया, मैंने कहा 3 महीने तक शायद मुझे अब दोबारा नहीं जाना पड़ेगा। ये थोड़ा सा मैंने मैदा लिया है 2 किलो, 1 किलो मैंने सूजी ली है क्योंकि मैं तूर को खिलाती हूँ, नाश्ते में बना के देती हूँ। तो वैसे रमज़ान में अब उसके लिए उठ के पराठे वगैरह बनाना तो मुश्किल है, तो फिर ये सूजी बना दिया करूँगी। साथ में ये मैंने मकई का आटा 2 किलो बनवाया है, रमज़ान के बाद इंशाल्लाह साग के साथ रोटी खाएंगे। और 2 किलो मैंने चावल लिए हैं बासमती, खुली बासमती के, मैंने कहा मैं ट्राई कर लेती हूँ पहले, तो उसके बाद अगर अच्छे हुए तो मैं ये वाले लूँगी। साथ में 1 किलो माश की दाल ले ली है, 1/2 किलो भुने हुए चने ले लिए हैं। अब मुझे इनकी कीमत तो याद नहीं है कितने कितने के हैं, लेकिन रिजनेबल प्राइस होती है। और चने की दाल भी मैंने उनको कहा था 1 किलो, लेकिन वो देखने दाल नहीं आई, मुझे लगता है माज ने वो माइनस करवा दी है। इसका दिल यही था कि मैं कोई दाल ना लेके आऊँ, कहता है मम्मा रमज़ान में भी हमने दालें खानी हैं, क्या हो गया? मैंने कहा नहीं खानी, वैसे लेनी है रमज़ान के बाद, हमने फ़ौरन तो नहीं ना चीज़ें लेने के लिए फिर से आना। लेकिन खैर वो दाल नहीं आई है। और ये देखें इधर, मैंने आपको बताया था ना कि इधर ये रूल है रमज़ान में, रात के टाइम सब काम करते हैं और दिन को सो रहे होते हैं। तो ये देखें आधी रात को इधर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, घर बन रहा है, वर्कर लगे हुए हैं काम कर रहे हैं, और दिन को सब सो जाते हैं। ऐसे दिन को ऐसे होता है जैसे सन्नाटा छाया होता है सारी हर जगह पर, मार्केट्स भी बंद होती हैं और तकरीबन 4 बजे तक या जोहर के बाद मार्केट जो है ना वो खुलनी शुरू हो जाती हैं। इधर मैं तैयारी कर रही हूँ अब सहरी की, सहरी में मैं बनाऊँगी पराठे, और पराठे कोई लच्छेदार वगैरह कोई इस तरह के नहीं बनते हैं, कभी कभी ऐसे बनते हैं। आजकल तो हमारे अपने लच्छे इतने बन रहे हैं तो पराठों में लच्छे मैंने कहा क्या करने हैं, सिंपल से पराठे बनाऊँगी। लेकिन इस दफ़ा इनमें ना मैं बटर लगा रही हूँ क्योंकि बटर मैं लेके आई थी, थोड़ा सस्ता मिल गया था, तो चलें मैंने कहा पहले डालडा वाले ही बनते हैं। तो रमज़ान में थोड़ा बच्चों की जो है ना वो सेहत का खास ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि उनको बेचारों को भूख ना लगे ज़्यादा। थोड़ा हैवी नाश्ता करेंगे, हैवी सहरी करेंगे तो ही ऐसे होगा ना कि वो सारा दिन जो है वो सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं तो डे होके पड़े रहते हैं। उन्होंने बेचारों ने स्कूल भी जाना होता है, बच्चों की भी बड़ी टफ लाइफ होती है। तो बस ये जो है ना बटर, इसको मैंने सिंपल अंदर रखा है और कवर कर लिया आटे के साथ, ये जैसे हम स्टफिंग करते हैं किसी भी चीज़ की, बिल्कुल उस तरह। तो बस हम इसको बेल लूँगी मैं, और बेलने के बाद तवा गर्म हुआ हुआ है और पराठे बनने स्टार्ट हो गए हैं। सहरी जो है ना वो बड़ी सिंपल सी होनी भी चाहिए और हमारी होती भी है, इतना हैवी सब कुछ भी खाया नहीं जाता, सालन हमारे घर कोई खाता ही नहीं है, जब हमेशा से ऐसे होता है। रमज़ान में हमारे घर कभी भी सालन नहीं बनता, शुरू में पहले मैं बनाया करती थी, लेकिन वो तो 15-15, 20-20 दिन तक पड़ा रहता था और मैं ही जब भी खाती थी तो मैंने तो अब तंग आके बनाना ही छोड़ दिया हुआ है, क्योंकि किसी ने भी नहीं खाना होता तो फ़ायदा क्या बनाने का। सहरी टाइम भी ये कुछ ना कुछ ऐसा इनका दिल करता है कुछ मीठा हो, कुछ इस तरह का हो, सालन ना हो, अंडा फिर भी चलें खा लेते हैं। और अफ्तारी में तो बिल्कुल भी सालन रोटी, सालन चावल इस तरह की कोई चीज़ खाना पसंद नहीं करते हैं, तो मैं फिर बनाती ही नहीं हूँ। तो बस सहरी में ये है कभी अंडा खा लेंगे, आज मैं अंडा नहीं बना रही क्योंकि अंडे ख़त्म हुए हुए हैं। अब अगले हफ्ते जाऊँगी ग्रासी करने के लिए, तो फिर कुछ शायद थोड़े मिल जाएंगे सस्ते तो मैं ले आऊँगी, नहीं तो मैं नहीं लाऊँगी। और आज ये पराठा खाएंगे, वो जो है ना तिलों का मैं हलवा लेके आई थी मार्केट से वो, और साथ में पनीर है या जो फीटा चीज़ जिसे इंग्लिश में कहते हैं वो है, और साथ में चाय है। चाय भी साथ साथ बनी रही है, मैंने चाय नहीं पीनी होती, इन सब के लिए मैं चाय बनाती हूँ, अपने लिए मैं काफ़ी मैंने रख लिया है। ये जितना 1/2 कप मैं दूध डालती हूँ और 1/2 कप मैं पानी का, इसको बॉयल करके तो बाद में मैं इसमें काफ़ी ऐड कर देती हूँ। मैं तो सहरी भी बना रही हूँ, साथ साथ मैं शूट भी कर रही हूँ, और साथ साथ में मैं उनको बार बार बच्चों को जाके उठा भी रही हूँ, क्योंकि ये पहला टाइम जागते रहते हैं और जब एंड का टाइम आता है ना इनको थक जाते हैं, नींद आनी शुरू हो जाती है, तो सहरी से थोड़ी देर पहले ये तीनों सो जाते हैं।
तो मुझे बड़ा गुस्सा फिर इन पे चढ़ रहा था। मैं कह रही थी कल से फिर आप लोग रात को आराम से इशा के बाद सो जाया करो, इस तरह तो नहीं सही है कि जब उठने का टाइम होता है तो आप सो जाते हो। तो बस वो जाग जा के उनको बार बार उठा रही हूँ, मुश्किल से माहा जो है ना वो उठी है। वैसे तो मेरे खुद से खासा ये टफ हो रहा था कि मैं शूट भी करूँ साथ में सहरी भी बनाऊँ, हालांकि कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं बनानी है, फिर भी मैं मुझे भी थकन हुई होती है और नींद भी आ रही होती है, लेकिन मैं कहती हूँ अब इकट्ठा ही नमाज वगैरह पढ़ के ही सोएंगे। अच्छा ये जो फीटा चीज़ है ना ये मैं निकाल रही हूँ प्लेट में, और ये साल्टी होता है खासा, थोड़ा खट्टा खट्टा भी होता है जैसे दही का टेस्ट होता है ना उस तरह का, और साथ में ये तिलों का हलवा है जो कि हेल्दी भी जारी बात है या और मज़े का भी लगता है पराठे के साथ। ये दोनों चीज़ें खाएं और साथ में चाय का सिप लें तो बड़ा मज़ा आता है। तो बच्चों ने, मैं तो जारी बात है पाकिस्तान से आई हूँ, मुझे तो इन चीज़ों का इतना खास पता नहीं होता था, लेकिन जो बच्चों के पापा हैं ना वो ये चीज़ें शौक़ से खाते हैं तो फिर बच्चों को भी इसी तरह आदत हो गई हुई है। तो बस हम सब हम करेंगे मज़ेदार सी सहरी, मज़ेदार सी ही है। लोग इस रमज़ान में बहुत कुछ मांगेंगे, ऐ परवरदिगार मेरे हर नेक अमल को मेरी वालदा और वालद की मगफरत का ज़रिया बना, आमीन। ये दुआओं की कबूलियत का टाइम है, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। कमेंट करके ज़रूर बताएं मेरा व्लॉग आपको कैसा लगता है, अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें। और ये देखें जी अभी एक बंदा उठा ही नहीं है, दो को बड़ी मुश्किल से उठाया है, और वो जब देखेगा ना कि मामा का गुस्सा जो है वो हाई हो गया, फुल 100 पे पहुंच गया है, तब वो उठ के आएगा।